नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब और मैं आपके साथ में संभल नगर पालिका प्रत्याशी लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं और साथ ही में नगर पालिका चेयरमैन पद के उम्मीदवार कुछ पार्टी से टिकट लेकर आए हैं, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, जहाँ अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं समीर, उनसे बातचीत करेंगे शहर के मुद्दों को लेकर, किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं संभल नगर पालिका अध्यक्ष पद का। क्या नाम है सर? माई सेल्फ मोहम्मद शरीफ, उस समीर अहमद के नाम से मुझे संभल की आवाम जानती है। और मैं यही कहना चाहूंगा संभल की आवाम को, अगर ये मुद्दे की बात है तो मुद्दे बहुत सारे हैं और संभल की आवाम के मुद्दे पर जितने भी बयान करूं तो वो कम है, क्योंकि संभल की आवाम के मुद्दे अगर देखा जाए तो नगर पालिका के जितने भी मुद्दे हैं वो सब के सब ठप हैं। और 5 साल के दौरान में आप जान सकते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि सारे मुद्दों पर पानी फिर चुका था, कोई भी मुद्दा किसी तरीके से भी कहीं पर भी सक्सेस नहीं बैठा है। चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव के लिए हमने बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सबसे पॉजिटिव थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो मुद्दों के लिए बहुत सारी चीजें हमारे नगर पालिका की जितनी भी योजनाएं आती हैं उसमें 80% योजनाएं सफल हो पाती हैं, 70% योजनाओं का पता नहीं चल पाता कि चेयरमैन को क्या है क्या नहीं है। और हम जानते हैं इस चीज को लेकर जितनी भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देऊं तो लाइट हुआ, पानी हुआ और सड़क का निर्माण हुए, कभी तो देखे थे कभी पिछली उसमें चेयरमैनी में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस वाली चेयरमैनियों में और जो अब आ रही हैं चेयरमैनियां बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि संभल है या गांव बन गया है हमारा संभल। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाली चेयरमैनी जो होगी, जो 2023 के अंदर अगर हमने अपना आवेदन किया है और समीर अहमद के नाम से जो हम जाने जाते हैं, तो वो जानती है संभल की आवाम के अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या लगता है किससे आप टक्कर लेंगे? मेरी टक्कर, मेरी सभी से टक्कर है इस बार में, क्योंकि मैं नया चाहे प्रत्याशी हूं और मेरे जो जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो जितने भी लड़ रहे हैं पार्टी से हैं और दिग्गज पार्टियों से हैं, वो सब जो टिकट ले चुके हैं, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। और टक्कर की बात करूं तो मेरी टक्कर सभी से है और सबकी टक्कर मुझसे है। देखना ये इसका जो रिजल्ट बताएगा वो 4 तारीख की वोटिंग और 13 तारीख का रिजल्ट बताएगा टक्कर किससे रही। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, पिछले दिनों में नगर पालिका भ्रष्टाचार को लेकर भारी तादाद में सभासद धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या कहना है, क्या इस तरह से भ्रष्टाचार होना चाहिए? भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो अक्सर मुद्दों को लेकर उठाने के बाद में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे, मेंबर्स हमारे बहुत सारे दिन तक बैठे रहे लेकिन जून तक की नहीं रेंग पाए किसी भी काम को लेकर, और फिर लास्ट में ये समझौता हुआ को इसको बाद में देख लेंगे। हमारी बहुत लोगों से बात हुई, मेंबरों से भी, क्या समीर साहब क्या रहा, हमने पूछा कि बहुत सारे मेंबर हैं, नाम खोला नहीं जा रहा चैनल के माध्यम से होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि कोई रिजल्ट नहीं निकला इतने दिन बैठने का भी, और उम्मीद करते हैं आने वाला जो चेयरमैन होगा इस बात का हल निकालेगा और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया है कि इसको हम खत्म कराने की उम्मीद रखते हैं। पिछले 5 वर्षों में जो चेयरमैन ने शहर में काम कराया कैसे देखते हैं? काम के लिए तो ऐसा है सर, जब हम फील्ड के अंदर अब जा रहे हैं तो वो यही कहते हैं, मुझे हंसी आ रही है इस बात पर, क्या हम कहते हैं कि चेयरमैन कैसा हो तो बोले आपके जैसा ना हो, जैसा भी था आपके जैसा चेयरमैन ना हो, और ना ऐसा हम चाहते हैं चेयरमैन, आपका जो चेयरमैन हो एक ऐसा हो जो सही हो और सही मायने में गरीब का दर्द समझ सके और जो हम लोगों का दर्द समझ सके, हम चाहते हैं ऐसा चेयरमैन हो, दर्द हमारा हो और तकलीफ उसको, ऐसा चेयरमैन। सपा विधायक इकबाल महमूद ने अपनी पत्नी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, उनका ये कहना है कि मैं अब कैसा प्रत्याशी लेकर आया हूँ तो मेरा साथ छोड़ के नहीं जाएगा, क्या लगता है आपको क्यों उनका साथ छोड़ के लोग चले? नहीं, साथ छोड़ के कहाँ जाते हैं लोग, हो सकता है किसी तरीके से भटक जाते हैं वो लोग, मैं तो इस बात को नहीं कहूंगा। और बात रही भाभी जान की, वो साथ छोड़ के कहाँ जाने वाली है, वो तो घर में रहने वाली है। बात रही चेयरमैन की, तो ऊपर वाले ने विधायक ही दी उनको, मंत्री पद दिया है, अब चेयरमैन ही भी देने जा रहा है, वो देख लेंगे, ये संभल फैसला करेगा कि चेयरमैन पद पर वो किस तरीके से वर्क कर पाए। संभल में बैंक चुराए हैं आपके, चौधरी सराय चुराया है और साथ ही में चंदोशी चुराया और कई ऐसे चुराए हैं, 100 साल से भी पुराना शहर होने के बाद बैठने की यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे? सर चौराहे की तो बात बाद में करेंगे हम, अभी तो रोड ही इस लायक नहीं है, चौराहे इस लायक होंगे। बैठने की सुविधा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ संभल में परिवर्तन हुआ है क्या, 42 साल की अगर राजनीति हम देखें
तो हम जहां पर भी आज सर्वे कर रहे हैं, हमें ये पता चला है कि 42 साल की राजनीति एक नर बन चुका संबल, और जिस शहर को हम शहर का नाम दे चुके हैं वो शहर एक गांव में तब्दील हो चुका है। आज की बात में अगर करूं तो कहीं से मेरे पास में कॉल आई है और वहां से वीडियो मेरे पास में रिकॉर्ड होकर आई है, किस कदर पानी कब्रिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है और वो चीख चीख के कब्रिस्तान के मुर्दे बाहर आके कह रहे हैं कि इनको हमें दोबारा ढक दीजिए जहां से हम निकले। वहां की वीडियो भी आई है सब कुछ, और आज फेसबुक पे भी वो वीडियो चल रही है। वो मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इतना भी नसीब ना हुआ कि उसके अंदर कम से कम 8-10 ट्राली मट्टी पड़ जाती ताकि हम लोगों के माँ बहन भाई जो उस कब्रिस्तान में दफन थे वो उसके अंदर कम से कम ढक के रह जाते। चौथा सवाल मेरा ये, यहाँ सांसद साहब रहे, विधायक साहब रहे, नगर पालिका चेयरमैन रहे, लेकिन अभी भी रोडवेज बस स्टैंड किराए की जगह पे चलता है, लोगों की लगातार शिकायत है इस बारे में। ये तो मंत्रियों को और हमारे बड़े बड़े विधायकों को इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे संबल को कहां ले जाना चाहते हैं, रोडवेज किराए के चलाना चाहते हैं 100 साल से, इसको भी खत्म करके और रोडों पे खड़े करेंगे आगे के लिए। ये हमारे बड़े मंत्रियों का वो है। संबल जिला बन चुका है लेकिन मुख्यालय दूसरी जगह जा चुका है, मुख्यालय की लंबे समय से लोग लंबी लड़ाई लड़ी और अभी अदालत में केस चल रहा है, यहाँ मुख्यालय नहीं होगा, लोगों को दिक्कतों का सामना होगा, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा जब तक हमारी आवाम नहीं समझेगी इस चीज को, जब तक हम ऐसे ही रहेंगे, जब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे दोनों विधायक दिग्गज नेता दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं होने के बावजूद भी मुख्यालय यहाँ पर नहीं है, तो इस संभल की आवाम को इस बार सोचना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में, बहुत सही तरीके से दिमाग लगा के वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर ये अभी ना सुधरी संभल की आवाम तो इस तरीके को 100 साल तो इसने दिए, अभी आने वाली नस्ल फिर इसका वर्ताय करेगी, जो आने वाली नस्ल है इस चीज को करेगी। लगातार शहर में हम सर्वे कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि नया प्रत्याशी चेयरमैन पद के यहाँ नगर पालिका में आना चाहिए, तो क्या देखते हैं आप, क्या इस बार नए प्रत्याशी को चांस मिलेगा? नए प्रत्याशी की अगर बात करूं, ना तो मैं राजनीतिक हूं, ना मेरा परिवार राजनीतिक है, मैं एक मजदूरी बाप का बेटा हूं, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, एक मजदूर बाप का बेटा हूं, मजदूरी करके यहां तक पहुंचा हूं। पहुंचने की बात ये सिर्फ और सिर्फ संभल की आवाम का जो प्यार मुझे मिला है इन 7-8 सालों में, सिर्फ उन्हीं लोगों के मशवरे से मुझे नए चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, और मुझे उम्मीद है, वो आशा है पूरे संभल की आवाम से, और मैं चैनल के माध्यम से ये पूरा प्रूफ कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे समर्थन दिया है और विश्वास दिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस बार 2023 के अंदर जो चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती हूँ, समीर अहमद को देखना चाहती हूँ, शबीना परवीन को देखना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा पांचवा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, क्या लोगों की आप सेवा करते हैं? सेवा की बात यह, जिस लायक हूँ, जिस तरह से हूँ सेवा के लिए, उस तरह से हमेशा के लिए ये संभल की आवाम बता देगी। आप सर्वे करिए न्यूज के माध्यम से, मोहल्ले में जाइए, वार्ड में जाइए और पूछ के देखिए समीर किस लायक सर्वे कर सकता है और किस तरीके से सेवा कर सकता है। समीर की अगर सेवा की मैं बात करूं, समीर ने जिस तरह से भी हुई है उसने उस गरीब की मदद करने की कोशिश करी है, जिस दर्द को उसने 20 साल अपने आप झेला है। आज मेरी उम्र 28 साल की है, 8 साल मैं प्रोसेस में आ गया हूँ समाज सेवा में, इसलिए उनके गरीबों को दर्द को मैंने बहुत पास से देखा है, और उसी दर्द को मैं देखते हुए हमेशा उस दर्द को दूर करने की कोशिश करता रहा हूँ। जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं उस गरीब परिवार की हमेशा मदद करता रहूंगा, और अल्लाह ताला मुझे जज्बा दे, और आप लोगों से दुआ है कि अल्लाह सब लोग मेरे लिए दुआ करें, जब तक मेरे अंदर खून है और जब तक मेरे अंदर जज्बा है मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ हमेशा। अच्छा, लोगों ने आपको नगर पालिका का अध्यक्ष बना के भेजा, क्या आपके 5 काम ऐसे रहेंगे शहर में? सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, मैंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये बात साबित की है, हमने एक AECD के नाम से एक योजना बनाई है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने लॉन्च की है, और हम हर कोचिंग सेंटर को मुफ्त में देने वाले हैं। दूसरी घोषणा हमने उसके अंदर की है, जो भी 0 से लेके नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक की बच्चियां या बच्चे होंगे उनके लिए हम मुफ्त किताबें, बस्ता, फीस का प्रावधान ये समीर अहमद पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए करने वाला है। और सबसे बड़ी घोषणा हमने उसके अंदर की है, जहां पर भी अभी तक जिस लाइन से भी दिक्कत आई है नगर पालिका के माध्यम से, पानी हुआ, बिजली हुआ, लाइट हुई, कोई भी चीज हुई, जैसे कि खंभों की लाइटें हो गई, कभी भी सालों साल पड़े रहते हैं बल्ब नहीं लग पाते, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी दिक्कत आएगी, जहां पर भी जिस तरीके से दिक्कत आएगी, वो समीर अहमद नगर पालिका के माध्यम से चेयरमैन पद के प्रत्याशी के माध्यम से पूरा कराने का काम करेगा इंशाल्लाह।
और तीसरे काम की अगर मैं बात करूँ, आप काम की बात करें बिल्कुल अनोखा और नया काम मैं लेकर आया हूँ जो अभी शायद घोषणापन में लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। कुछ भी हो कैसे भी हो, चेयरमैन इसके माध्यम से वादा है कि स्टेडियम बनाने का काम संभल के अंदर समीर अहमद करेगा, कोई करे ना करे। पांचवें काम की अगर मैं बात करूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने जनसेवा केंद्र खोलने वाले हैं, जो छोटी छोटी चीजों पर एक गरीब मजदूर जो सारे दिन की कमाई होती है, आय जाति निवास विधवा कोई भी पत्र होगा जो कि फ्री में बनते थे, उन पे जनसेवा केंद्र वाले उनसे पैसा लेते हैं। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि उनको हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जन्म प्रमाण पत्र से लेकर कोई भी पत्र होगा फ्री में बनवाने का काम करेंगे और घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समीर, जो नगर पालिका संभल नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी है, जहाँ प्रत्याशी ने लगातार समाज से भी बात करने की बात की, समाज की सेवा करने की बात की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की बात की, और कई सारे ऐसे काम गिनाए कि मुझे अगर धनता ने चुनकर भेजा तो मैं सारे काम कराऊंगा। लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रत्याशी शहर के लिए चुना जाए जो कि ईमानदार हो और जो ना शहर के विकास के लिए लगातार काम करता रहे। मेरा ये आपसे कहना है, पब्लिक वाइज के लिए मैं समझू। अपने गांव से लेकर उत्तर प्रदेश के हर एक जिले शहरों में घटने वाली घटनाओं, खबरों, मुद्दों और लोकल जॉब्स की जानकारी के लिए डाउनलोड करें इंडिया का नंबर 1 लोकल वीडियो न्यूज ऐप पब्लिक वाइब।